नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपको व्याकरण भाग में आने वाले शब्द युग्म के बारे में बताना चाहती हूँ। हिंदी भाषा में कुछ शब्द उच्चारण की दृष्टि से लगभग समान प्रतीत होते हैं, परंतु उनके अर्थ में बहुत अंतर होता है। ऐसे शब्दों को समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द, शब्द युग्म या शब्दों में सूक्ष्म अंतर कहते हैं। जैसे आप उदाहरण में देख सकते हैं, अनल और अनिल। अनल का अर्थ होता है अग्नि और अनिल का अर्थ होता है वायु। अपकार और उपकार। अपकार का अर्थ होता है बुराई, यानी उपकार का अर्थ होता है भलाई। अवधि अवधि। अवधि का अर्थ होता है समय की सीमा। अवधि की होता है ये तो हिंदी की एक भाषा है। अविलंब और अवलंब। अविलंब का अर्थ होता है शीघ्र, अवलंब का अर्थ होता है सहारा। अंत अंत्य। अंत का अर्थ होता है समाप्ति, अंत्य का अर्थ होता है नीच। अनुकरण और अनुसरण। अनुकरण का अर्थ होता है नकल करना, अनुसरण का अर्थ होता है पीछे चलना। अपेक्षा और उपेक्षा। अपेक्षा का अर्थ होता है तुलना करना, अपेक्षा का अर्थ होता है अवहेलना करना। आभास और आवास। आभास का अर्थ होता है प्रतीति होना, आवास का अर्थ होता है निवास करना। आगे देखिए, अली और आली। अली का अर्थ होता है बौरा, आली का अर्थ होता है सखी। अविराम और अभिराम। अभिराम का अर्थ होता है बिना रुके, अभिराम का अर्थ होता है सुंदर या मनोरम। अतल और अतुल। अतल का अर्थ होता है गहरा, अतुल का अर्थ होता है जिसकी तुलना ना की जा सके। अनभिघ्न अभिघ्न। अनभिघ्न का अर्थ होता है अनजान, अभिघ्न का अर्थ होता है जानकार। आकार आगार। आकार का अर्थ होता है रूप, आगार का अर्थ होता है भंडार। अंश और अंश। अंश का अर्थ होता है भाग यानी हिस्सा, अंश का मतलब है कंधा। आचरण और आवरण। आचरण का मतलब है चाल चलन, आवरण का अर्थ होता है पर्दा। इति और ईति। इति का अर्थ होता है समाप्ति यानी अंत, ईति का अर्थ होता है प्राकृतिक प्रकोप। उद्यत और उद्दत। उद्यत का अर्थ होता है तैयार होना, उद्दत का अर्थ होता है उद्दंड। केसर और केशर। केसर का अर्थ होता है सिंह के अयाल और केशर का अर्थ होता है पराग। कंगाल और कंकाल। कंगाल का मतलब होता है निर्धन, कंकाल का अर्थ होता है हड्डियों का ढांचा। कपट और कपाट। कपट का अर्थ होता है छल, कपाट का अर्थ होता है किवाड़। धन्यवाद बच्चों। And do subscribe. From Gnanajyoti team, alone we can do so little, together we can do so much. For further information, kindly visit our website, that is www.gnanajyoti.com.